देखिए, एक समतल पर खड़ी मीनार की ओर एक सीधी रेखा में 50 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन को 30 अंश से 75 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इन्हें हम देखते हैं। आप मीनार ले लीजिए, मीनार जो है कितनी है, 50 मीटर है, और मीनार से जो है पचास मीटर मीनार की तरफ सीधी रेखा जा रही है, इसकी मीटर चलने पर ये 50 मीटर है आपका, और इस 50 मीटर में कोण आपका बन रहा है 2, पहला 30 अंश, दूसरा 75 अंश, बिंदु ए है, बी है और सी है, 3 केंद्र है, और इनकी दूरी जो है h है ऊंचाई की, और यह दूरी यहां से यहां तक चलने पर 50 मीटर, और यहां से यहां की दूरी x मीटर, यह आपका, और पूरी दूरी जब हम निकालेंगे तो पूरी दूरी हो जाएगी 50 प्लस x। मीनार के केंद्र से और सी बिंदु तक। अब त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज ए बी डी में, अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, या बिंदु डी मान लीजिए, तो लिखेंगे एन 75 अंश बराबर टेन 75 ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, यह कितना है दिया गया है, यच बटा यक्स, यह आपका मान है। अब टेन 75 अंश का हम परिवर्तन कर लेते हैं तो 2 प्लस कोणी में 3 आ जाएगा बराबर यज बटा यक्स, 75 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा कोष में यक्स, कोष में 2 प्लस कोणी में 3 बराबर यज, और यक्स बराबर जब हम करेंगे तो यह आ जाएगा यच बटा 2 प्लस कोणी में 3, यह समीकरण संख्या 1 बन गया। अब समकोण त्रिभुज एबीसी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में दूसरों को ले लीजिए 30 अंश वाले, तो टेन 30 अंश, टेन 30 अंश बराबर आपका ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी क्या आ जाएगा, ए बी बटा बी सी में आपका यच बटा 50 प्लस यक्स, चूंकि पूरी दूरी मानी गई है। अब मान चेंज कर दीजिए तो ये 10-30 अंश का होता है कोणी में 1/3, कड़ी में 1/3 बराबर यच बटा 50 प्लस यक्स, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कोणी में 3 यच बराबर 50 प्लस यक्स, समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 1 में x का मान रखने पर अब
समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक यह है और x का मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो x का मान रखने के लिए आएगा आपका एक बटा कर्णी में थ्री बराबर एच अपान 50 प्लस एच बटा 2 प्लस कर्णी में 3 इंटू हर का प्रयोगकरण 2 माइनस कर्णी में 3 अपान 2 माइनस कर्णी में 3 बराबर बराबर निकालने के बाद 1 अपान कर्णी में 3 एच अपान आ जाएगा आपका 50 प्लस कोष्टक में 2 माइनस 3 कणी में बटा एच। अब कणी में 3 एच बराबर, जब 3 एच निकालेंगे तो 50 प्लस 0.3 कणी 3 को हम कणी 3 को परिवर्तित कर लिए दशमलव में, और दशमलव में से 2 में से हम इनके मान को घटा लेते हैं, तो ये घटाया हुआ मान आएगा 2.268। तो इस तरह से यह मान जब हम इसे चेंज कर देते हैं कणी में, और इसका जो 2 में से कणी 2 कणी 3 के मान को घटा देते हैं, तो यह आएगा 0.0268। अब पक्षांतर कर लेते हैं इस चीज को, तो यह आ जाएगा इतना बराबर 5। अब यच बराबर जब हम निकालेंगे आपका, तो यच बराबर 50 बटा इतना हो जाएगा। अब यही मान देखिए 50 बटा इतना हो जाएगा, यच बराबर जब लिखेंगे तो यह भाग देंगे तो 34.5 आ जाएगा, तो यस बराबर जो 34.15 मीटर की दूरी आएगी। इस तरह से यह मान जो है मीनार की ऊंचाई कितनी है, यस बराबर 34.15 मीटर।